हमारे लिए घरेलू रोजमर्रा के जीवन में जरूरत का सामान है। फिटकरी पुरुष और महिलाएं दोनों उपयोग करते हैं, अलग-अलग प्रकार से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सैलून में लोग शेविंग कराते हैं, दाढ़ी वाढ़ी जब बनाते हैं तो उसके बाद उसको फिटकरी रगड़ते हैं। फिटकरी रगड़ने से जो कटा हुआ होता है या फिर चेहरे में जो पिंपल्स होते हैं, दाग होते हैं, बर्रे होते हैं, उनको खत्म करने के काम में आता है। मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको दांत में पायरिया हो, दांतों के मसूड़ों में सूजन हो, दांतों में दर्द होता हो, तो फिटकरी का उपयोग वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिटकरी का एक भस्म बनता है, भस्म राख जैसा बनता है, उसको आयुर्वेद विधि से बनाया जाता है। और वो राख बनने के बाद उसका आयुर्वेद में नाम हो जाता है हस्फटिक भस्म। तो हस्फटिक भस्म को फेफड़े के बलगम को दूर करने के उपयोग में लाते हैं। और एक होता है पाइल्स, आपने बहुत सारे देखा होगा पेशेंट को पाइल्स में दर्द होता है, जिनको बवासीर बोलते हैं हम भाषा में। तो फिटकरी के पाउडर को, जिसको हस्फटिक भस्म कहते हैं, उसके पाउडर को एक चुटकी गुनगुने पानी में डाल करके उससे धुलाई करने से एनस को धोते हैं या उसमें सेकाई करते हैं तो एनस का दर्द दूर हो जाता है। अगर वहां पे कट लग गया है, चीरा लग गया है, तो वो भर जाता है, ठीक हो जाता है। और बलगम के लिए आप शहद के साथ एक एक चुटकी आप सेवन कर सकते हैं। ऐसे अनेक फायदे हैं फिटकरी को पेस्ट बना करके। उसमें आप गुलाब जल और नींबू का रस और फिटकरी, ये तीन चीजों को मिला करके आप कहीं भी शरीर में आपको काले धब्बे, दाग हों, बर्रे हों, तो वहाँ पेस्ट बना करके 10-20 मिनट लगा करके छोड़ दीजिए। और उसके बाद उसको आप 20 मिनट बाद धो दीजिए, तो आपको काफी प्रभावशाली लाभ प्राप्त होता है। एक तो ये होता है फिटकरी, पहले स्किन में चेक कर लेना चाहिए। इसमें एक सावधानी यही है कि पहले स्किन में आप चेक कर लें कि फिटकरी लगाने से हमें कुछ बहुत ज्यादा जलन तो नहीं हो रही है, क्योंकि ज्यादा फिटकरी यूज करने से फिर शरीर रूखे हो जाते हैं, सख्त तो हो जाते हैं, फिर वो जल्दी फिर आपका वो साफ नहीं होगा, फिर उसमें चिकनाई नहीं आ पाएगी। इसलिए फिटकरी को सोच समझ के और आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें।